देश निर्माण हो या राष्ट्र का निर्माण, शिक्षा की शुरुआत वहीं से होती है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी। अरविंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद छोटे भाई, धन्यवाद। सर, उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर कैसे चल रहा है? निश्चित ही उत्तराखंड प्रदेश विषम परिस्थितियों से जूझता हुआ प्रदेश है। भौगोलिक परिस्थितियाँ बड़ी भिन्न है, इस नाते शिक्षा का थोड़ा सा बीच में गिरावट आई। वजह सिर्फ ये कि लोग सुविधाजनक नौकरी करना चाहते हैं, इस नाते प्रत्येक विद्यालय में सही समय पर अध्यापकों का ना पहुँचना अभिभावकों की मजबूरी बन गई, जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को सुविधाजनक क्षेत्रों में जाकर अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा दिलवाने के लिए प्लान करते थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जब से बनी है, त्रिवेंद्र सिंह की गवर्नमेंट बनी है, हमने तय किया कि जिन कल्पनाओं को लेकर प्रदेश का निर्माण किया गया, उन कल्पनाओं के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी नाते हमने जितने मैदानी जिले हैं उन सबको हमने सुगम घोषित किया, ताकि दुर्गम के नाम पर कोई पहाड़ छोड़ के नीचे ना आ पाए, ताकि लोगों को माकूल शिक्षा मिल सके, माहौल बन सके। इस नाते हम विद्यालय शिक्षा ठीक हो और समय पर बच्चों को अध्यापक मिले, ताकि बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ सकें और पढ़ाई के लिए गार्जियंस को अपने बच्चों को लेकर प्लान ना करना पड़े, ऐसी हमारी कोशिश है। और आने वाले टाइम सर, अभी भी मोटे स्तर पर उत्तराखंड से अगर दिल्ली में भी देखा जाए तो काफ़ी सारे बच्चे आते हैं। उत्तराखंड में सर ऐसा क्या शिक्षा में कहाँ कमी रह रही है कि मतलब लोगों नहीं, दिल्ली में तो राज्यों में पढ़ाई, दिल्ली में हायर एजुकेशन के लिए जब बच्चे इंटर पास आउट हो जाते हैं उसके पश्चात बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हैं तो लोग आते हैं। तो दिल्ली देखो भाई, राजधानी है, यहाँ देश के कोने कोने से लोग आते हैं, विश्व के लोग आते हैं। तो उत्तराखंड से बच्चे अगर यहाँ पढ़ने आते हैं, अच्छी शिक्षा लेने आते हैं, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। सर, लोकसभा चुनाव काफ़ी करीब हैं, क्या लगता है सर उत्तराखंड में क्या होने वाले? उत्तराखंड में नहीं छोटे भाई, पूरे देश का मिजाज मोदी के माहौल में बना हुआ है और लोग जानते हैं कि जो देश की हिफाजत करे। और 70 साल में देश हमारे दिन पे दिन सबसे हमारा मजबूत देश, कृषि प्रधान देश, जहाँ भुखमरी की नौबत कभी हिंदुस्तान में नहीं आई, लेकिन 70 साल में देश को बहुत आगे जाना चाहिए था, आगे ना जाके बहुत पीछे हो गया। और इस 5 साल में मोदी ने यह एहसास करा दिया कि अगर जो थोड़ा थोड़ा काम भी प्रत्येक गवर्नमेंट जो स्थापित हुई और प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा ही विजन लिया होता और थोड़ी सी भी संवेदनशीलता ली होती, तो आज हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ देश नहीं होता, बल्कि जो एग्रेसिव देश हैं, विकसित देश हैं, उन देशों में हिंदुस्तान की गिनती होती। लेकिन ऐसा अन्य नेताओं ने नहीं किया, अन्य सरकारों ने नहीं किया, और ख़ासतौर पर कांग्रेस ने हिंदुस्तान को भिखारी जैसा बना दिया। और मोदी ने यह साबित किया है कि सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा काम किया होता तो आज हिंदुस्तान सोने की चिड़िया स्थापित होता, कहा नहीं जाता, ऐसा हकीकत में होता। सर, कांग्रेस वाले हमेशा बीजेपी पे आरोप लगाते रहे कि चौकीदार चोर है, लेकिन सर चौकीदार ही शब्द सर अब कैंपेनिंग में यूज़ किया जा रहा है, तो सर इससे कहीं फ़ायदा आने वाले बीजेपी को? बिल्कुल, जो आदमी ईमानदार होता है वह पद की या मुझे किस नाम से संबोधित किया जाए इसकी परवाह नहीं करता, वो एक ही बात देखता कि मेरा भाव क्या है। और मोदी का भाव है राष्ट्रवाद, देश की हिफाजत करना, देश की सुरक्षा करना, देश को प्रत्येक क्षेत्र से मजबूत करना, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूप से मजबूत करना देश को। और जब आदमी इस लेवल पे काम करता है बिना भेदभाव के, बिना लोभ लालच के, तो वो आदमी चौकीदार से भी छोटी संज्ञा अपने आप को देता है, जैसा मोदी जी ने कहा है कि चौकीदार। चौकीदार का मतलब क्या होता भाई? कि जो देश के हित में काम करने को तैयार हो, देश के लिए काम करता हो, भारत माता को मजबूत करने के लिए काम करता हो, वह हिंदुस्तान का चौकीदार हो। चाहे डॉक्टर के रूप में भी हो सकता है वो चौकीदार, वो इंजीनियर के रूप में भी हो सकता है, वो अच्छे लीडर के रूप में भी हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी हो सकता है। यह चौकीदार का मतलब होता है। चौकीदार यानी हिफाजत करने वाला व्यक्ति, जो आपकी हिफाजत करता हो, जो देश की हिफाजत करने का जज्बा रखता हो, उसको बोला जाता है चौकीदार, उसको बोला जाता है गार्ड। सर, आरोप तो ये भी है कि चौकीदार के द्वारा ही राफेल की फाइल चोरी हो गई है, चौकीदार के द्वारा ही नीरव मोदी हैं, ये सारे इनके अंदर इनके मतलब सरकार में ही सारे गए हैं। आप तो चौकीदार पे भी अगर जो ठीक समय पर राफेल का सौदा हो गया होता तो आज हमारे कितने सैनिक शहीद हुए हैं, ये नौबत नहीं आती। तो कहावत है कि गांव की कहावत है कि सूप तो बोले बोले छलनियाँ बोल गई हैं। अगर जिन्होंने 17 साल से देश को लूटने का काम किया वो मोदी पर आरोप लगा रहे हैं, नीरव मोदी, आपको पता होना चाहिए कि अभी आज उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, बहुत जल्दी यहाँ देश हिंदुस्तान आने वाले हैं, ये किसकी देन है? अगर जो चौकीदार की नीयत में खोट होती तो जो कांग्रेस के टाइम में लोगों को घोटाला किया और भाग गए, कांग्रेस के टाइम में घोटाले हुए और देश में रहते गए, लेकिन वो बाद में भागे क्यों? मोदी के टाइम में इसलिए भागे कि जो नया व्यक्ति प्रधानमंत्री बना ना देश का, ये हमें छोड़ो या नहीं, इन्होंने भाग के इनके ननिहाल में जाके सुनाई ले ली,
कांग्रेस के नाना के यहाँ जाके सड़न ले ली इन लोगों ने, और जब वहाँ भी लगा कि चौकीदार हमें वहाँ भी नहीं छोड़ेगा, तो वहाँ भी जाके आज उनके गिरफ्तारी का प्रकट हो गया, कोर्ट में सरेंडर हो गए, गिरफ्तारी हो गई और बहुत जल्दी यहाँ आने वाले। सर कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी गंगा यात्रा में निकली थी, तो सर वहाँ पे वहाँ के वकील हैं उन्होंने डीएम को एक पत्र लिखा है जिसमें ये कहा है कि इनको मंदिर में ना दाखिल करने दिया जाए, इनकी जगह है चर्च में, तो सर इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखो हिंदुस्तान हमारा बहुत संवेदनशील और अनुशासन वाला देश है। आप खुद समझते हो कि अब ऐसे टाइम में टिप्पणी करना किसी पर ठीक नहीं है। अब हिंदुस्तान के आम लोग तो इस बात को जानते हैं ना कि भाई देखो इनका बाप तो है हिंदू, इनका बाबा वो हो गया आपके मुसलमान, माँ हो गई क्रिश्चियन, तो इनको कौन सी संज्ञा दिया जाए भाई? तो अब लोगों की अपने अपने अभिव्यक्ति है, लेकिन मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। और लोकतंत्र है और वो कांग्रेस सचिव अपनी पार्टी के लिए अपने दल के लिए वोट मांग रही हैं, तो मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन ये तय बात है कि इन चीज़ों को हिंदुस्तान की जनता खूब ढंग से जानती है और वो किसी कीमत पर किसी के बहकावे में ना आके हिंदुस्तान के द्वारा मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना के हिंदुस्तान को अच्छे हाथों में देश की जनता सौंपना चाहती है। सर एक आखिर में ये सवाल करना चाहूँगा कि शिक्षा मंत्री हैं आप, तो सर पूरे देश में शिक्षा को लेकर कहाँ कहाँ कमी आ रही है और क्या किस चीज़ का बदलाव करना चाहिए? इस तरह बेरोजगारी भी आजकल एक शिक्षा का एक रूप है, कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी होती है कि यार लोग बेरोजगार हैं, तो कहाँ शिक्षा में कमी, हम लोग किस चीज़ में बदलाव? मेरा मानना यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं जो हमारी मूल संस्कृति थी उससे हम भटके हैं और दोबारा मोदी जी ने उस काम को प्रोत्साहित करने का काम किया है। जैसे कृषि आधारित हमारा देश था, हम कृषि को उसका ऑप्शन भूल गए, हम कहाँ आ गए, सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। अब देखो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स अधिकांश जो बड़े बड़े कॉलेज हैं ये बंद होने लग गए। अब जो मोदी जी ने कहा किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, तो जो एग्रीकल्चर पर जो किसानी एग्रीकल्चर पर जो स्टडी करने की आवश्यकता है, बच्चों के इसमें बढ़ने की आवश्यकता है, हायर सेंटर खोल के कृषि को बढ़ावा देने के लिए, इस पर जो नई जागृति आई है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में आपका ये IT प्रकोष्ठ हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका ये सोशल मीडिया हो गया, इन चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा तो देश के अंदर से बेरोजगारी दूर होगी। सर ये एक सवाल कि भटके हुए जो बच्चे हैं शिक्षा के बाद जो भटके हुए लोग हैं बेरोजगार लोग हैं, तो उनको सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि शिक्षा के बाद भी सही उनको राह मिल पा रही? मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे देश हिंदुस्तान के नौजवान बच्चे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे मेरी बात सुनूंगा उनसे कहना चाहूँगा, बेटा हौसला मत खोना, हौसला मत खोना। जिस देश की बुनियाद ही बेईमानी पे बन गई हो, निश्चित ही उस देश का युवा तो भटकेगा भटकेगा। और जहाँ 70 साल देश को खोखला किया गया, किसी चीज़ की स्थायी व्यवस्था नहीं की गई, उस सारी चीज़ों को 5 साल में ठीक नहीं किया जा सकता। आप लोग भरोसा कीजिए, देश का जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, हिंदुस्तान के सारे बच्चों को अपना बच्चा समझते हैं, जितनी हमारी माँ बहन है सबको अपनी माँ बहन समझते हैं, और ऐसा व्यक्ति देश को दिशाहीन नहीं होने देगा, किसी कीमत पर दिशाहीन नहीं होने देगा। आप लोग प्रतीक्षा कीजिए, आने वाला जो 5 साल मोदी जी को मिलेगा, यह हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने वाला देश होगा। बाहर से लोग आएंगे हिंदुस्तान को पहचान नहीं पाएंगे, और निश्चित जो बेरोजगारों की समस्या है उसका कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि जादू की छड़ी घुमा दिया सब लोगों को रोजगार मिल जाए, सारे पुल सारे टनल बन जाएं, बारह बारह लेन सड़कें बन जाएं, ये सब कहने से नहीं होता, करने से होता है। और इस 5 साल में मोदी ने प्रत्येक क्षेत्र में जो विकास किया है वह अकल्पनीय है। मुसीबतों के बावजूद, अव्यवस्थाओं के बावजूद, अब यहाँ क्या है, हमारे देश के सैनिक जाके दूसरे देश में आतंकवादियों मार के आ गए और विपक्ष पाकिस्तान की भाषा में भाषा मिला के बोल रहा है कि सब सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत दो। तो ये बताओ ना, ये विपक्ष क्या, इनके देश के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं है, देश के प्रति इनका कोई लगाव नहीं है। तो जहाँ ऐसा माहौल हो तो वहाँ 5 साल में सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। ये 5 साल हिंदुस्तान की जनता मोदी जी को देने जा रही है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम नौजवान बच्चों से कहना चाहूँगा, बेटा हौसला रखो, ये आने वाला 5 साल हिंदुस्तान के गरीब बच्चों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए, बेरोजगार बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य लेके आएगा, ऐसी मैं आपको शुभकामना देता हूँ। हमारे साथ थे अरविंद पांडे जी, इन्होंने खास बातचीत की लोकतंत्र समाचार से।